नमस्कार, स्वागत है आपका आईएनएन 24 पर और आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। होली और शबे बारात के मद्देनजर रविवार की शाम निरसा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। निरसा थाना प्रभारी सह निरीक्षक दिलीप कुमार यादव ने बैठक की अध्यक्षता की। होली पर्व और शबे बारात शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से सभी को दिशा निर्देश जारी किए गए, जिससे शांति में कोई खलल नहीं पड़े। चिन्हित स्थानों पर पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखते हुए गश्ती बढ़ाने की बात कही गई और शराब पीने वालों बेचने वालों पर विशेष पाबंदी लगाने की भी बात कही गई। दोनों पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जाएगी। साथ में सभी शांति समिति के सदस्यों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली सम्मेलन मनाया। बैठक में निरसा प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार राय, अंचल अधिकारी नितिन गुप्ता, कई जनप्रतिनिधियों तथा शांति समिति के सदस्यों ने हिस्सा लिया। गश्ती की व्यवस्था पूरा रहेगी ताकि हुड़दंगियों पर शिकंजा कसा जा सके और होली में कोई हुड़दंग नहीं करे। डीजे पर लगाम लगाया जाएगा और सौहार्दपूर्ण तरीके से होली मनाए, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। उसी दिन सभी बारात का पर्व है और उसमें भी जब मस्जिदों में लोग जाते हैं वहाँ भी पुलिस फोर्स की व्यवस्था रहेगी और इस बार पूरी शांति से मनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया। और किसी भी प्रकार के असामाजिक गतिविधियाँ जहाँ भी इस तरह की इंसिडेंट हो रही हो, शांति समिति के सभी सदस्य मिलकर शासन के सहयोग से और अपने बल पे भी उसको नियंत्रित रखें और इस तरह की कोई भी घटना हो तो हम लोगों को पहुँचाएँ। साथ ही जो भी कोरोना संबंधी गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है जो सरकार का जारी है, उन सभी गाइडलाइनों का अक्षरशः पालन हो और इसका हम लोगों को इम्प्लीमेंट कराना है, ध्यान में रखना है।